जनता पार्टी के जिस वरिष्ठ नेता के लिए कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे, आज वही कार्यकर्ता सोच में पड़ गए जब पुलिस द्वारा बीजेपी नेता के कारनामों की जन्म कुंडली खंगाली गई तो कई डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले। उज्जैन पुलिस द्वारा निर्वाचन विभाग से युवा मोर्चा के जिला महामंत्री योगेश सांगते का वोटर आईडी निकलवाया और आरटीओ से लाइसेंस निकलवाया, दोनों फर्जी जन्म तारीख अलग अलग लिखी पाई गई। ऐसे में कोई बड़ी घटना को अंजाम भी आसानी से दे सकते हैं। जब इस बात की जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेताओं को लगी तो चौकन हो गए। युवा मोर्चा के महामंत्री योगेश सांगते की शिकायत पूर्व में भी कई लोगों द्वारा की गई थी, जिसमें अवैध तरीके से ब्याज वसूला जाता है और किसी अन्य दोस्त के नाम पर जेसीपी फाइनेंस करवाकर खुद उपयोग कर उसकी किस्त अभी जमा नहीं करने का मामला सामने आया है और पुलिस उसकी भी पड़ताल में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो युवा मोर्चा के जिला महामंत्री योगेश सांगते के और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अभी उज्जैन पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि दो अलग अलग पैन कार्ड भी पुलिस को मिले हैं, जिसमें अलग अलग जन्म तारीख लिखी होना पाया गया है। ये जो वर्तमान में जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं, जिसमें योगेश सांगते जो महामंत्री हैं भाजपा युवा मोर्चा के, उनके द्वारा जो दस्तावेज उपयोग किए गए हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हथियार प्राप्त किए गए हैं, ये जानकारी मिली कि सभी फर्जी हैं, जिसमें अलग अलग जन्मतिथियों का उपयोग किया गया है और अलग अलग प्रकार के प्रूफ दिए गए हैं। कई जगह जानकारी छुपाई गई है जो अपराधों से संबंधित होती है और ये दस्तावेज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ प्राप्त किए गए हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में कुछ प्रकरणों में FIR की जा चुकी है और आगे भी इसमें जाँच चल रही है। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।